जय हिंद फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा आर्मी क्लर्क पेपर का, जो कि ये लेटेस्ट पैटर्न पर है। ठीक है, इसको आप लास्ट तक लगाइए, आप लोग तब जान पाएंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और ये हूबहू आपके एग्जाम के लेवल का है। एग्जाम में जितना तरह क्वेश्चन पूछा गया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे पूरे यहाँ पर है। इसलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ मिस ना करें और एक एक क्वेश्चन करिए, और एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज जो टारगेट आपका है 144 मार्क का टारगेट है 200 में से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए आपके सामने में चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। अगर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सेना की जो सेना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे जो भी सेना से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ गया है। सती प्रथा उन्मूलन किसने किया। देखिए, आप सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, यानी एबोलिशमेंट किसने किया, खत्म किसने किया, तो ऑप्शन आपके सामने में है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या फिर लॉर्ड केलिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड ब्राउन ने। किसने किया था सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो आपके सामने में जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे जो है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। देखिए, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन का, कौन सा, यूएन से आप लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन, उसका कौन सा इसमें से जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो आपके सामने में ऑप्शन है जर्मन, रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश। तो देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होता है। तो यूनाइटेड नेशन से जो भी आपका पॉइंट है, जहां से भी है, उसको आप लोग पूरा पूरा कवर कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, जर्मन जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि कितने इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप याद कर लीजिए इसके छह, इसके कितने हैं, छह ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब कौन कौन सा देख लीजिए, यहाँ पर एक है अरबिक, ARBIC अरबिक है, दूसरा क्या है चाइनीज है, फिर रशियन है जो कि आपके सामने ऑप्शन भी है, फ्रेंच भी है, फिर इसके बाद स्पेनिश भी बोल देंगे, स्पेनिश, और एक और जो है आपका इंग्लिश भी है ना, एक इंग्लिश भी है, इंग्लिश। देखिए, अरबिक, चाइनीज और रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश, यानी कि छह इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको साफ साफ यहां पर कर दे रहा हूं, यहां पर एक बार अरबिक, ठीक है, दूसरा है चाइनीज, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चाइनीज, उसके बाद है आपका रशियन, एक बार इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग अपने अपने राइटिंग में, फ्रेंच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं आप क्वेश्चन थोड़ा टाइम दे रहा हूं उसमें, स्पेनिश और इंग्लिश। ठीक है, इतने लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य आपके सामने में है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादन करता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी चुना होगा, उत्तर प्रदेश को। ये क्वेश्चन जो आपका है स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी आपके सामने में आता है, हर एग्जाम में आता है, तो आपको स्टैटिक जीके भी कवर करना है आपको। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करना आप लोग। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है, किसका मेंबर नहीं है। इन चार जो ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, पहला है एशियन, G8, WTO और SAARC। तो यहां पर चार ऑप्शन में जो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आसियान का मेंबर नहीं है। बाद बाकी G8 का भी है, WTO का भी है और SAARC का भी है।
तो एक बार आप लोग आसियान का आप लोग फुल फॉर्म क्या होता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है हीलियम का संकेत क्या होता है। हीलियम का जो संकेत है, जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका है, वो कौन सा, इस ऑप्शन में से देख लीजिए, H, HE, H2O, HI कौन सा है। तो आप हीलियम का संकेत जो है आंसर देख लीजिए अपना क्या है और मेरे आंसर से मैच करिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, हीलियम का जो संकेत है वो HE है, ठीक है। HE आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपके सामने में अगला जो क्वेश्चन है, खाने के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। खाने के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर क्लोरीन। तो खाने के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वो होता है नाइट्रोजन गैस होता है, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है लिगामेंट इनमें से किसको जोड़ता है। देखिए लिगामेंट, लिगामेंट किसको जोड़ता है, ऑप्शन है हड्डी से हड्डी को, या मांसपेशी और हड्डी को, या मांसपेशी और मांसपेशी को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, मांसपेशी मांसपेशी। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि लिगामेंट जो होता है हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ गया है कि जहाज की गति किसमें मापी जाती है, जहाज की गति किसमें मापी जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने में है नॉट, हाइड्रोमीटर, फैडोमीटर और सिस्मोग्राफ, किसमें मापा जाता है। तो जहाज की जो गति जो होती है, स्पीड जो होता है, वो नॉट में मापा जाता है, ठीक है। किसमें, तो नॉट में मापा जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन भी देख लें और क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना अगर आप आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो। वन प्लस डिफेंस अकेडमी के साथ आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए ये सबसे बेस्ट क्लास है आप लोगों के लिए। तो जो भी मैं क्लास लाता हूं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्लास एक भी मिस ना करें। वन प्लस डिफेंस अकेडमी का आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का क्लास भी आपके सामने में आ गया है, इसका मैं आगे चर्चा करता हूं। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, माचिस के तिलियों में क्या होता है, माचिस के तिलियों में क्या होता है, क्या रेड ऑक्साइड होता है, या फिर रेड ऑक्साइड, या फिर लाल फास्फोरस, या सफेद फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइम ले लीजिएगा और आंसर अपना अपना सही करिएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, इसमें लाल फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस इसमें होता है, इसीलिए जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मिस ना करिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर के लिए है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए आपको आर्मी क्लर्क में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, एक बार में अपने मेरिट में आना चाहते हो, तो आप कंप्यूटर के पांच क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो पांच का पांच क्वेश्चन टारगेट रखो। कम से कम चार क्वेश्चन तो कर नहीं है, लेकिन आपका टारगेट हमेशा पांच का पांच क्वेश्चन होना चाहिए और पांच का पांच क्वेश्चन करके आना। इसके लिए मैंने जो यूट्यूब पर मैंने बता दिया है आप सर्च करना, ठीक है, कि कंप्यूटर आर्मी क्लर्क कंप्यूटर क्वेश्चन वन प्लस डिफेंस अकेडमी, तो आपको यहां पर कंप्यूटर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो पीडीएफ है हमारा जिसमें कि 800-900 क्वेश्चन है उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा। इससे करने के बाद आपको कंप्यूटर के पांच क्वेश्चन बनने की पूरा पूरा उम्मीद रहेगा। इसके लिए पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूं, इसके लिए कुछ पे करना होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसके लिए। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, ऐसा गोपनीय कोड सेक्रेट कोड क्या होता है जो बहुत सारे प्रोग्राम में जाने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं, उस गोपनीय कोड को सेक्रेट कोड को क्या कहते हैं, क्या पासवर्ड कहते हैं, एंट्री कोड कहते हैं, एक्सेस कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पासवर्ड कहा जाता है इसे। पासवर्ड से बहुत सारे प्रोग्राम में लॉक लगा दिया जाता है, इसमें एंट्री करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है, यही आपका यहां पर आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को में परिवर्तित करना होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का जो होता है मेन जो गोल होता है वो क्या होता है, डेटा को किस में बदलना होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन बोले या डाटा, कभी कभी इंफॉर्मेशन बदले में आपको सूचना दे देगा, क्या दे देगा, सूचना दे देगा, ठीक है। तो आप तभी आंसर सूचना ही करना, और यहां पर इंफॉर्मेशन आपके लिए आंसर है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने जरूर करा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में
भारतीय भाषा का प्रयोग किया गया, यानी विंडोज 7 जब आया था तो उसमें कितने लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज थे? तो यहां पर है इंडियन लैंग्वेज वॉज यूज इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज यूज किया गया था। तो आपके सामने में जो ऑप्शन है 14, 49, 26 और 37, तो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 इंडियन लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि एक सिक्वेंशियल डिवाइस है, ठीक है, एक सिक्वेंशियल डिवाइस कौन सा है? इसमें देख लीजिए, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, या टेप ड्राइव, कभी कभी टेप ड्राइव भी देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है, टेप ड्राइव भी देखने के मिलेगा या फिर टेप भी मिलेगा। एक और है फ्लैश मेमोरी। तो यहां देख लीजिए एक सिक्वेंशियल डिवाइस कौन सा है, तो यहां पर आपके सामने में इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेप ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेप ड्राइव क्या है? एक सिक्वेंशियल एक्सेस सिक्वेंशियल डिवाइस है टेप ड्राइव। ठीक है, मैंने यहां कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आगे है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? देखिए एक्सटेंशन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना, एक्सटेंशन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे वो वर्ड का हो, ठीक है, वर्ड का क्या होता है, DOCX होता है, या फिर एक्सेल का हो, या फिर एक्सेस का हो, या फिर विंडो के जो एप्लीकेशन होते हैं उसका हो, यानी एक बार एक्सटेंशन आप सर्च कर लीजिएगा गूगल सर्च में, वो पता चल जाएगा आपको एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपके सामने में जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है डॉट XLSX है। ठीक है, पहले क्या था, डॉट XLS आता था, अब X भी इसमें ऐड हो गया है। पहले पहले वर्ड का क्या था, डॉट DOC आता था, अब डॉट DOCX आने लगा है लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मैंने बी बता दिया, आंसर नंबर बी है। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैथ का क्वेश्चन जब तक मैं सॉल्व करता हूं आप लोग भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और मैंने फार्मूला पर हमेशा मैंने जोर दिया है, मैंने फोकस करा है कि फार्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, आर्मी क्लर्क में, आर्मी जीडी में, आर्मी टेक्निकल में, आर्मी ट्रेडमैन में, जिसमें भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं सभी में फार्मूला मस्ट है, इसलिए फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, बिना फार्मूले का ना तो सवाल बनेगा, ना कभी 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 इसका डायरेक्टली, जैसे इस क्वेश्चन में आया है, आंसर भी क्वेश्चन में भी आ जाता है फार्मूला डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पर फार्मूला का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ए का हो जाएगा चार। तो देखो ए का चार, इसमें इसमें तीनों में दिया गया यहाँ पर, तो आप अभी आंसर नहीं चुन कर सकते हो। यहाँ पर देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो अब बी का हो जाएगा तीन। देखो बी का तीन आपका आंसर तो ए होगा नहीं, बी बी इसमें दोनों में दिया गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन दो में देखिए सी का दो हो जाएगा, सी का दो इसमें है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टा में दो गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी डी का वन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें दिया गया है, ये डी में दिया गया है। देख लीजिए ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक समबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, यानी कितना डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का कोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो दो जो दो दो आपका भुजा जो है उनके बीच का जो कोण बनेगा, या तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, या ये भुजा ले लीजिए, कोई सा भुजा, क्योंकि समबाहु है ना, सभी भुजा तो बराबर ही है, तो दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होगा होता है। देख लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। अब दो एक कोण पता करना आपको, तीन से भाग लगा दीजिए तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दो भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज में। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 डिग्री आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन को जरूर सही सही करा होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, आप डायरेक्टली गुना कर लीजिए, 1.25 से आप 0.85 गुना कर लीजिए, एक तरीका तो ये है, और आसानी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर बहुत लेंदी आपको लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे आप लोग, देखो आप एक गुना करके पता कर लेना आप लोग। ठीक है, देखो गुना भी जब करोगे 5 × 5 = 25 आ गया ना, एकांक स्थान में 5 ही आएगा, और इसमें देख लो किसी पर एकांक स्थान में 5 नहीं है,
तो वैसे भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखो अच्छा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो गुना करने की जरूरत यहां पर नहीं था। वैसे भी अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए यहां पांच अगर होता तो यहां पांच मैं कर दूं, यहां मैं पांच कर दूं, यहां मैं पांच कर दूं, ठीक है, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तब गुना करना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक तरीका मैं बताता हूं आपको। जैसे 1.25 यहां पर है, गुना में 0.85 है, अब क्या कर लो सभी अंक को जोड़ लो इसमें से, एक दो तीन और पांच आठ हो जाएगा, गुना में आठ पांच तेरह हो जाएगा, तेरह में दोनों अंक जोड़ लो, तीन एक चार हो जाएगा, गुना में चार कर लो, तो आठ चौका में बत्तीस, बत्तीस का दोनों अंक जोड़ लो पांच हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, चार पांच नौ हो जाएगा ना, ये तो मैच नहीं करा, तो आपका आंसर कभी भी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला, कभी भी नहीं होगा। आगे देख लो, एक और छह सात और पांच बारह, बारह का दोनों को जोड़ोगे दो एक तीन हो जाएगा, तो आपका आंसर कभी भी बी नहीं होगा। इनमें देख लो आप, छह एक सात पांच बारह फिर से आ गया, बारह है फिर आपने क्या करा, आपने दो एक तीन हो जाएगा, तो आपका आंसर कभी भी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो आप ऐसे ही बता कर सकते हो, तो आप आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी कर सकते हो बिना गुना किए हुए, जो कि जो मैंने यहां बताया है ये आप मन में भी कर सकते हो। अब ये ट्रिक जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, यानी मैथ का ये बैकबोन है आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए। अगर ये ट्रिक आपको समझना है आपको, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस ट्रिक को समझाने के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 15 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत होता है, 15 मिनट जो होता है वो एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट ना, यानी 60 का कितना प्रतिशत है, तो 15 मिनट 60 का कितना प्रतिशत है, इसलिए मैं क्या करूंगा 15 बटा में 60 गुना में 100 कर दूंगा, जीरो जीरो कट जाएगा, दो तीया छह और दो पंचे दस, तीन यहां पर जाएगा, तीन पंचे पंद्रह, पांच पंचे पच्चीस, यानी कि 25% क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था आपको समझना था, आपको जो 15 मिनट जो है एक घंटा मतलब क्या 60 मिनट, क्यों कभी भी तुलना किया जाता है तो सेम चीज में मिनट है, तो यहां पर भी आपका मिनट ही होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25% कितना होगा। अब यहां पर क्वेश्चन गौर कर लीजिए, एक तरीका तो ये है कि 4500 गुना में 30 बटा में 100 कर लो, माइनस में 280 गुना में 25 बटा में 100 कर लो, इसको सॉल्व कर लो आप, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, जीरो 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 कट जाएगा, तीन से गुना करो कितना हो जाएगा, जीरो पांचिया पंद्रह चार बारह एक तेरह, माइनस में 2500 का में 100, चार से काट दो सात सत्ते अट्ठाईस सत्तर, सत्तर इसमें से कम कर दो कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो जीरो, पांच में से सात नहीं कटेगा तो जाए पंद्रह तो जाएगा आठ, ये हो जाएगा दो, यहाँ पर एक, 1280 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। एक तरीका तो ये है गुना करके भाग करके काट के, अब एक तरीका क्या है जो मैंने अभी तरीका बताया था, देखो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो पांच चार नौ मैं अंक जोड़ रहा हूं, नौ का मतलब गुना है और तीन जीरो तीन ही रहेगा, और माइनस में कितना हो जाएगा आठ दो दस, दस का दस में से क्या हो जाएगा एक जीरो एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एक, गुना में पांच दो सात, अब कितना नौ तीन नौ तीन सत्ताईस हो जाएगा, सत्ताईस का दोनों अंक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सात दो नौ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नौ, मैंने यहां अगर नौ कर दिया, माइनस में सात एक सात, अब देखो यहां पर दोनों घटाने पे कितना हो जाएगा दो, ऑप्शन में चेक करो आप लोग, देखो तीन एक चार हो जाएगा जोड़ के, तो कभी भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, दो एक तीन कभी भी आपका आंसर बी नहीं होगा क्योंकि जोड़ के दो आया था, पांच दो सात एक आठ कभी भी आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नहीं होगा। अब इसमें देख लो वहां पर आठ दो दस एक ग्यारह, ग्यारह का दोनों अंक जोड़ोगे तो दो हो गया ना, तो वैसे भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो ये तरीका समझ जाओगे ना तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैथ क्लासेस भी चलते हैं, तो मैथ क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखो यहां पर पैसे की नहीं देखना है आप लोगों को, यहां पर सक्सेस देखना है आपको, अपना कैरियर देखना है आपको, ठीक है। 1500 बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। आपको a पता करना है आपको, तो a आप इससे निकाल लो। देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, इसका होता है a क्यूब होता है, यानी कि आपको a क्यूब बराबर में 2197 दिया गया है ना, तो अब a बराबर निकालोगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा ना 2197 का, इसको जब बाहर करोगे तो 13 का होता है। तो मैंने क्या आपको क्या बताया था आपको कि स्क्वायर जो है आप लोगों को स्क्वायर 1 से लेकर 40 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है, और क्यूब 1 से लेकर 20 तक का आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए।
यहाँ पर 13 का, अब ए बराबर 13 निकल गया ना, अब इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर होता है, अब 4 गुना में 13 गुना में 13 हो जाएगा ना, गुना कर लो, 13 चौका 52 और 13 गुना में 26, 13 पंचे 65 और 267, 672 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ गलती हो गया क्या, देखिए यहाँ पर 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 676 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया ये, ठीक है। इसमें फॉर्मूला मस्त था आप लोगों के लिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था आपका 4a स्क्वायर, और आयतन घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है घन का, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है, कार की औसत गति क्या है। देखो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि मैं समझा समझा के बनाता हूं, आप लोग आंसर निकालना है, दोनों में अंतर रहेगा स्पीड में, इसीलिए मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर लीजिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। अब देखिए इस स्पीड से 2 घंटे चलता है और इस स्पीड से 1 घंटे चलता है, तब उसका औसत गति कितना होगा, पहले ये देखिए औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर में क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, ठीक है। अब कुल दूरी, इसे आप दूरी निकाल लो पहले, ठीक है, दोनों का दूरी निकाल लो। देखो दूरी कैसे निकालोगे, दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय ना, चाल ये है गुना में समय ये है, 60 गुना में 2, चाल गुना समय प्लस में ये भी दूरी निकालना होगा आपको, 40 गुना में 1 करना होगा कुल दूरी निकालने के लिए, 60 गुना में 120 प्लस में 40 यानी कि कितना हो जाएगा ये 160 हो जाएगा ना, 160 हो जाएगा, 160 किलोमीटर हो जाएगा, और कुल समय कितना हो गया, कुल समय कितना हो गया, यानी 2 घंटे ये लगा था और 1 घंटे ये लगा था, यानी कि 2 1 3 घंटा हो जाएगा। आपको निकालना है यहाँ क्या, कुल दूरी बटा में कुल समय, 160 बटा में 3 कर लो, अब भाग लगाओ कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 53.33 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर यहां पर है आपके लिए। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गया था कि औसत गति में क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। क्लियर यहां पर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, यदि प्लास्टर का खर्च 21.40 प्रति वर्ग मीटर खर्चा होता है। देखिए ये आप गौर जरूर गौर कर लीजिएगा, यहाँ मीटर है तो गुना कर दूंगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर है तो पूरे फर्श पर प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा, यानी कि एक वर्ग मीटर पर इतना खर्च होता है, तो आपका इतना लंबा चौड़ा है उस पर कितना खर्चा होगा। देखिए पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबा चौड़ा दिया गया ना, तो लंबा चौड़ा कितना हो जाएगा, 7 गुना में 4 यानी कि 28 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब एक वर्ग मीटर में इतना आता है तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्ग मीटर में 21.40 है तो 28 वर्ग मीटर है, अब इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 599.20 हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा 599.20, ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग उसको गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसे मेन क्या था आपका, फॉर्मूला पता करना था और कैसे बनाना था ये जरूरी था। आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या, माइनस अगर 7 है इसका वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करेंगे तो माइनस और माइनस गुना करना पड़ेगा, माइनस 7 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी धनात्मक बन जाएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि 2 अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसका वर्ग करने पर क्या शून्य हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो प्लस को क्या कहा जाता है, धनात्मक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धनात्मक कहा जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 9 के पावर में 4 है गुना 9 के पावर में 4 है, तो इसका मान कितना होगा। अब देखिए जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। अब 9 के पावर में 4 प्लस में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 के पावर में 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगर 3 के फॉर्म में लिखेंगे, देखो 9 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 2 कर सकता हूं ना, पावर में 8 रहेगा, 3 के पावर में इसको जब मैं बाहर करूंगा दोनों गुना हो जाएगा, 8 गुना में 16 हो जाएगा, 3 के पावर में 16 भी नहीं दिया गया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो दिया ही गया है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि ऐसा भी आपका हो सकता है।
जब गुना हो तो पावर को जोड़ेंगे, और जब भाग दिया हो तो पावर को घटाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर यहां पर हो गया। आगे आ जाओ, इंपोर्टेंट सेक्शन आपके लिए इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पैसेज मैं यहां तो नहीं बताता हूं आप लोगों को, मैं आपको पेड कोर्स में बताता हूं। जो पेड कोर्स ले चुके हैं बच्चे, या आप जब लेंगे पेड कोर्स, तो उसमें आपको पैसेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पैसेज देखने के लिए आप उसमें आ सकते हो, और उसमें देख सकती हो कि आपका पैसेज क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाऊंगा। तो पैसेज देखने के लिए आप हमारा इंग्लिश क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, और इंग्लिश में अपना बेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का आर्मी क्लर्क इंग्लिश क्लास जरूर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और ले सकते हो। इसके लिए फीस जो है मात्र अभी 999 है इंग्लिश क्लास के लिए। तो जितना जल्दी हो सकता है जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और 100% जो है आपके एग्जाम के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मैच कर जाएंगे, इससे पहले भी मैच करा है, मैं इसके बेस पे बता रहा हूँ, और आगे मैं और भी इसमें मेहनत करने वाला हूँ इस बार। तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा इंग्लिश क्लास, और यहाँ पर पैसे बहुत ज्यादा इसका नहीं है इंग्लिश, अगर आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो तो, क्योंकि अब आर्मी क्लर्क के लिए आप इसके पैसे से तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक पैसे ये रहा और एक पैसे ये रहा, दोनों अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपके सामने पैसेज के अलावा जो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कॉमन एरर है, पीक्यूआरएस है, सेंटेंस रिअरेंजमेंट, जंबल वर्ड कहते हैं वो है, सायोनिम है, एंटोनिम है, आप ये सारे क्लासेस में आपको मिलने के लिए मिलेंगे आपको डिटेल में। और सारे क्लासेस जो लेटेस्ट पैटर्न पर है पेड कोर्स में मैं बताता हूँ, इसलिए पेड कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो अप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास वहां से खुद से ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप हमारा जो नंबर है, ये 2 नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के लिए। साथ में मैथ क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए ई बुक ले सकते हैं, मॉडल पर ले सकते हैं, कंप्यूटर का ले सकते हैं, जीके के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ ब्लैंक दिया गया है, बर्ड कैन फ्लाई हाई इन स्काई। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक आपका सिंगुलर यहाँ पर है, सिंगुलर कॉमन नाउन यहाँ पर है, आप क्या प्रॉपर आपका नॉन एक हो जाता है आपका यहाँ पर। तो इससे पहले क्या लगता है, द तो लगता ही है, देखो द स्काई होता है, द अर्थ होता है, द मून होता है। इसीलिए देखो आपका ऑप्शन कभी भी ए नहीं होगा, कभी भी बी नहीं होगा, आप कभी भी आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और यहां जब ए मैच करते हो यहां पर, तो ए भी मैच कर रहा है, ए बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, बिल्कुल ठीक है। तो कितना आसान तरीके से बन गया, कोई सोचने की काम नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर है। जब प्रैक्टिस ऐसे ही करोगे तो आप समझ सकते हो कि आप एग्जाम में कितना बेस्ट करोगे। ठीक है, जो क्लास ले चुके हैं उसके लिए कोई बात नहीं है, जो क्लास देख रहे हैं अभी, मैं सभी से बोलूंगा क्लास जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अभी जो है, जैसे आज जो तारीख आपके सामने में है, और उस तारीख को, जैसे 5 तारीख आज है, ठीक है, तो आज जो है, आज क्लास ज्वाइन करोगे तो 100 रुपीज आज ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको आज 899 लगेगा, आपको ओनली इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और इंग्लिश क्लास आप लोगों को लिए मिल जाएगा। तो आप इंग्लिश क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे है, वी नीड टू बी एट एयरपोर्ट इन आर। अब यहां देख लीजिए, अब आर से पहले क्या लगाते हैं आप लोग, एन तो यूज करते हैं आप लोग, क्योंकि देखो आर का साउंड कैसा है, एच का हावर नहीं होता है, आवर होता है ना, तो एन तो लगाओगे। जब एन लगाओगे तो आपका आंसर कभी भी ए नहीं होगा, कभी भी बी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ब्लैंक में दे दादा नहीं आएगा, और नो आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर फिर से देख लो, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली आपका हो जाता है एन। एन वाला तो कंफर्म यहां पर हो गया ना। अब जब यहां पर द फिट करते हो, द भी बैठ जाएगा यहां पर, वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट। देखो यहां पर एयरपोर्ट क्या है, यहां प्रॉपर कोई एयरपोर्ट है, वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट, उस खास एयरपोर्ट पर रहना है 1 घंटे में, इन एन आर। देखो कितना आसान से बन गया आपका आंसर, देखो कोई दिक्कत यहां पर हुआ, कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुआ, कोई सोचने की काम नहीं हुआ, डायरेक्टली मैंने ऑप्शन काट दिया। देखो आपको मास्टर नहीं बनने हैं, अपने एग्जाम में आप बेस्ट कर लो, पास कर जाओ, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आप लोग खुद से जानते हो कि देखो यहां पर कितने ज्यादा स्मार्ट हो, कितने पढ़ने में तेज, उसका कोई मायने नहीं रखता है फिलहाल में, जब आपको जॉब करना है तो बस आप अपना टारगेट सेट करो और इसको पूरा पूरा करो, और कैसे एग्जाम में अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो। मैं वही चीज कराता हूं आप लोगों को डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए, मैंने इसमें और कोई क्लास में मिक्स नहीं कराया मैंने, आर्मी क्लर्क इंग्लिश में सारे आर्मी क्लर्क के लेवल के लिए है, सारे उसी के लिए क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मैच कर जाएंगे। आगे जो अगला क्वेश्चन जो है,
यहां है थेम्स फ्लो इनटू नॉर्थ एशिया। अब देखो यहां पर फिर से क्या आ गया, यहां पर नॉर्थ एशिया यहां पर दिया गया है, तो द नॉर्थ एशिया तो आ जाएगा यहां पर प्रॉपर यहां पर है। तो देखो द वाला तो इसमें है, इसमें इसमें है, लेकिन यहां पर थेम्स क्या है, थेम्स एक क्या है, रिवर है। अब रिवर्स पहले हम लोग द का भी यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो आप ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि एन दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और नो आर्टिकल वाला आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, रिवर्स पहले द का यूज करते हैं और यहां पर प्रॉपर नाउन से पहले आप लोग भी द का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता होगा, तो क्लास को आप लोग जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर देना, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें ना तो कोई पैसे लगते हैं ना ही कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है कि हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपना वापस देते हैं, लाइक के रूप में, सब्सक्राइब के रूप में, और शेयर भी आप जरूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसे भी चेक कर सकते हैं कि उसे कितना आता है, उन्हें भी आप हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को हेल्प करता हूं। आगे जो है यहां पता करना है सैनोनिम, सैनोनिम क्या होगा मैच लिस्ट का। मैच लिस्ट के लिए चार वर्ड है, कॉमन है, कम्युनिकेशन है, कॉस्टली है और अनकॉमन है। देखिए मैच लिस्ट मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब तुलना नहीं किया जाता है, अद्वितीय होता है। मैच लिस्ट मतलब मैच नहीं करने वाला, क्या है, यूनिक है, आप इसे कह सकते हो, यूनिक भी कह सकते हो आपका सैनोनिम में, ठीक है। तो मैच लिस्ट का क्या हो जाएगा, कॉमन तो क्या हुआ, हर जगह जो है कम्युनिकेशन संचार होता है, कॉस्टली महंगा होता है, तो अनकॉमन एक होता है कॉमन, जो कि हर जगह कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, और अनकॉमन मतलब क्या, जो अद्वितीय है, यूनिक है, उसे अनकॉमन कहते हैं। तो आपको यहां क्या पता करना था, सैनोनिम पता करना था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। मैंने इसका हिंदी क्या बताया है आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और कौन कौन नोट बना रहे हैं वही एग्जाम में अपना बेस्ट करेंगे, क्योंकि रिविजन जब तक नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्लास का, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है आपका, फिर से यहां पता करना करना है सैनोनिम पता करना आप लोगों को, ठीक है। तो सैनोनिम के लिए क्या हो जाएगा, अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या हो जाएगा, विन, विनसम, विक्ट्री और लॉस्ट, ठीक है। अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए चार ऑप्शन है, विन है, विनसम है, विक्ट्री है और लॉस्ट है। अचीवमेंट क्या होता है, अपने मेहनत से कोई चीज प्राप्त करना है, अचीव करना, अचीव करना, ठीक है। तो इस विक्ट्री मतलब क्या होता है, वही चीज जो जीतना होता है, कोई चीज प्राप्त करना होता है, विक्ट्री कोई चीज पर जीत कर ले लेना, तो आपका विक्ट्री क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा सैनोनिम हो जाएगा। विन क्यों नहीं हो जाएगा, विन मतलब जीतना होता है, जीत होता है, तो अचीवमेंट के लिए आपका विन नहीं होगा। विनसम मतलब क्या होता है, मनमोहक होता है, जो हम लोगों को बहुत चार्मिंग होता है उसे विनसम कहते हैं, क्या होता है, मनमोहक, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, लॉस्ट मतलब खो दिया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सैनोनिम बिल्कुल करेक्ट यहां पर आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है स्टेटिन, स्टेटिन देखो एक स्टेट मतलब क्या होता है, सीधा होता है ना, स्टेटिन मतलब सीधा करना होता है, ठीक है। आपको यहां पता क्या करना है, एंटोनिम पता करना है। इस डायरेक्शन को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्शन नहीं पढ़ने की वजह से आप लोग सैनोनिम सैनोनिम ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, इसलिए और डायरेक्शन को जरूर पढ़ना आप लोगों को, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 35 पेपर हमारे पास है आर्मी क्लर्क के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए। वो आपको अभी मात्र आपको 250 मिल रहा है, अभी अब एग्जाम सामने नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये चीज 250 में दे रहा हूं। बाद बाकी पर 10 पेपर के लिए आपको 100-100 पेमेंट करना होता है, यानी कि बाद में आपको 350 पेमेंट करना होगा, तो ये आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। यहां एंटोनिम में क्या हो जाएगा, देखो स्टेटिन मतलब क्या होता है, सीधा करना, प्लास्टिक रबर अटैक नहीं होगा, बैंड यहां पर हो जाएगा। बैंड मतलब क्या होता है, टेढ़ा करना, बैंड मतलब क्या होता है, टेढ़ा, टेढ़ा करना और सीधा करना। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट वर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। अब यहां प्रीपोजिशन से फिल करना है, नाउन से फिल करना है, एडजेक्टिव से, यहां पर कुछ भी हो सकता है यहां पर। अब यहां पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, दे कैनोट स्टॉप, स्टॉप के बाद क्या आ जाएगा, सिंग, सिंग, सिंग्स या फिर बी सिंगिंग, क्या आ जाएगा, यू कैनोट स्टॉप। देखो स्टॉप और स्टार्ट, स्टॉप और स्टार्ट के बाद हमेशा बी फोर का आप लोग यूज करते हैं वर्ब आने के कंडीशन में। देखो सिंग तो आएगा नहीं, वी वन आएगा नहीं, या सिंग्स आएगा नहीं आप लोगों को, कि वी फाइव यहां पर दिया गया है, तो सिंगिंग यहां पर हो जाएगा आपके लिए। देखो बी सिंगिंग नहीं आएगा यहां पर, तो सिंगिंग क्या हो जाएगा आपका, यहां पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा दे कैनॉट स्टॉप सिंगिंग, वो गाना गाना बंद नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी स्टॉप और स्टार्ट के बाद हमेशा वी पोर का आप लोग यूज करते हैं। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है आई डोंट इंटरफियर माई स्टूडेंट इन सच मैटर। अब देख लो यहां पर इंटरफियर के बाद कौन सा यहां पर प्रीपोजिशन फिल करोगे, ऑफ, फॉर, एट या फिर विथ। तो आप देखो यहां पर आंसर मैच कर लो, और देखो मैं बता रहा हूं आपको यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इंटरफियर विथ होता है। देखो इंटरफियर, इंटरफियर प्लस में विथ भी होता है कभी, और कभी इन भी होता है। क्या होता है, इंटरफियर इन भी होता है और विथ भी होता है। तो यहां क्वेश्चन ये है कि आप विथ कब यूज करोगे और इन कब यूज करोगे। देखो कोई अगर मैटर हो, कोई बात अगर हो, ठीक है, कोई बिजनेस अगर हो, तो उसमें आप लोग विथ का यूज करेंगे। जब किसी पर्सनल लाइफ में, किसी के जिंदगी में, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करते हो, तो उस कंडीशन आप लोग इन का यूज करते हो। यहाँ क्या है, कोई स्टूडेंट का कोई बात है, कोई बिजनेस है, कोई बात, कोई मैटर है, कोई बात हुई है, इसीलिए वहां पर इंटरफियर किया है। इसीलिए आई डोंट इंटरफियर विथ, मैं किसी से इंटरफियर नहीं करूंगा, कोई भी उसका मैटर हो, कोई भी बात हो, तो यहाँ विथ आ जाएगा। कोई किसी के पर्सनल लाइफ में कोई बात अगर बात होता है अगर, तो उसमें इंटरफियर के कंडीशन में आप इनका यूज करते हो। तो यहां पर आपके लिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखो इंटरफियर के बाद ऑफ नहीं आता है, फोर नहीं आता है, एट नहीं आता है। ठीक है, आगे देख लो क्या है, उदय सिंह फॉट करेज इन द बैटल फील्ड। अब देखो फॉट के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन में, विथ, फोर, इन या फिर एट। उदय सिंह फॉट विथ आता है, क्या आता है, मैंने बहादुरी के साथ, फॉट विथ करेज, साहस के साथ, क्या आता है, फॉट विथ विथ करेज, विथ करेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपने भी चुना होगा। देखो जो भी प्रीपोजिशन आप लोग फिल करोगे ना यहां पर, ना तो यहां बिठा के एक बार सेंटेंस को पढ़ लेना, उदय सिंह फॉट विथ करेज इन द बैटल फील्ड। क्लियर यहां पर हो गया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे देख लो, अगला जो क्वेश्चन है आपका एरर पता करना है, कॉमन एरर है, जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं इसको, स्पॉट एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉट एरर भी कहते हैं आप लोग, ठीक है, कॉमन एरर भी कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या करना है, नो सूनर हैड वी सेट आउट व्हेन अ थंडरस्टॉर्म अकर्ड। देखो नो सूनर हैड वी सेट आउट व्हेन अ थंडरस्टॉर्म अकर्ड। देखो जो भी आपने प्रैक्टिस करा होगा, इससे पहले मैंने कॉमन एरर का जो क्लास कराया है वो आपने नहीं करा है, तो मैं अभी डाल दूंगा आपके, जैसे क्लास खत्म होगा यहां पर तो लास्ट में आपके सामने में दो पिक्चर आएगा। ठीक है, एक में तो कॉमन एरर आ जाएगा और एक में मैं PQRS डालने वाला हूं। ठीक है, PQRS, तो आपको दोनों क्लास जो रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नो सूनर हैड, अब याद कर लीजिए, नो सूनर जब भी हो तो नो सूनर के बाद वेन का यूज नहीं होता, क्या होता है, देन का यूज होता है। ठीक है, तो आपका आंसर किसमें है, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में है, नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है। ठीक है, ना कि वेन आता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, द वेज ऑफ क्राइम वेयर अ बिग पनिशमेंट इन द 16th सेंचुरी, नो एरर। अब देखिए यहां पर एरर अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं, लेकिन मैं यहां बता दूं कि यहां पर एरर है, तो आपका आंसर अभी तो डी तो नहीं होने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपके ग्रामर से है, ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, रूल पढ़ा होगा, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आप लोग। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जरूर करा होगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको मिला होगा। तो देखो यहां पर द वेज ऑफ क्राइम वेयर अ बिग पनिशमेंट, तो यहां पर आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी में है, यहां वेयर नहीं आएगा, यहां आ जाएगा वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। वॉज क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर वेज दिया गया है, तो देखो जब वेज क्या हो जाता है, कोई चीज का जब रिजल्ट होता है, क्या क्या आता है, रिजल्ट। क्राइम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, पनिशमेंट है। इस वेज का क्या है, रिजल्ट है, मतलब कि क्राइम का रिजल्ट क्या है, क्राइम का रिजल्ट। जैसे मान लो कोई, जब आप लेबर मेहनत करते हो आप लोग, तो आपको वेज दिया जाता है, क्या आता है, मजदूरी दिया जाता है। तो मजदूरी के बदला में क्या है, मजदूर का रिजल्ट क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो जब क्राइम का रिजल्ट अगर हो, कोई चीज का रिजल्ट अगर हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में वेजेस क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी रिजल्ट के सेंस में क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर होना चाहिए था। जब वेज का मतलब, जब वेज का मतलब आपका पैसा हो, धन हो, आपके मजदूरी के बदले में, तो उस कंडीशन में वेजेस क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए वेयर यहां पर हो जाएगा, वाज यहां पर हो जाएगा।
क्लियर है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है फिर से यहां पता करना है आपको, दिस इज ट्रू दैट द मून मूव्स राउंड द अर्थ नो एरर। अब यहां पर देख लीजिए, वैसे आपको एरर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन आपको लिए लाया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं इसीलिए मैंने आपके सामने में लाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो आप एरर किसमें है, एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन डी चुन सकते हैं। वैसे मैं टाइम देता हूं, मैं भी थोड़ा बीच में बात कर लेता हूं, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बताता हूं। तो यहां पर आपका एरर किस में है, पार्ट नंबर ए में है। अब मैंने इतना भी बता दिया मैंने कि पार्ट नंबर ए में एरर है। अब एरर क्या है, अब आप लोग सोचिए, अब यहां सोच के देख लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे दिया आपको थोड़ा बात करके यहां पर। तो देखो अब जो एरर यहां पर है, एरर है आपका पार्ट नंबर ए में, और दिस के बदले में यहां पर इट आ जाएगा। अब देखो यहां पर इट आ जाएगा, अब इट मतलब क्या होता है और दिस मतलब क्या होता है, आप बोलोगे इट इज ट्रू भी होता है, दिस इज ट्रू भी होता है, तो मैं भी बोलूंगा दोनों चीज होता है। लेकिन इट का यूज कब करेंगे, जब इससे पहले किसी के चर्चा हो चुका है, आपने कोई सुनकर कोई जानकर आपने चर्चा करा है कि ये सच है, तो उस कंडीशन में आप लोग इट का यूज करेंगे। जब आपके सामने में कुछ है, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ दिखा कर बोल रहे हैं कि दिस इज ट्रू, आपके सामने में कोई बुक है या कोई ऐसा चीज है, तब बोलते हो दिस इज ट्रू, तो दिस इज ट्रू उस सेंस में यूज होता है। लेकिन देखियो मून क्या है, मून चारों तरफ घूमता, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तब आप चर्चा करते हैं कि ये सच है, तो उस कंडीशन में आप लोग इट का यूज करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपके सामने में तीन क्वेश्चन आने वाले हैं कि PQRS का, जंबल वर्ड का, सेंटेंस रियरेंजमेंट का, आर्मी क्लर्क इंग्लिश के सेक्शन में, आर्मी क्लर्क एग्जाम 2022 के लिए, इसके बाद भी जो आर्मी क्लर्क 2022-23 का एग्जाम जो होने वाला है, 2023 में आर्मी क्लर्क एग्जाम, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है। और वैसे भी आर्मी क्लर्क एक एग्जाम के अलावा एयरफोर्स है, नेवी है, और भी डिफेंस एग्जाम है, उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। वैसे अभी ये आर्मी क्लर्क के लिए है। अब यहां पर सेंटेंस को रीअरेंज करो, द मास्टर के बाद कौन सा आएगा PQRS में से, उसको अरेंज करके आपको यहां पर ऐड करना है और आपको ऑप्शन चुनना है। देखो द मास्टर हु वाज वेरी लॉयल टू हिम, देखो द मास्टर हु वाज वेरी लॉयल, मास्टर के बाद में लॉयल तो नहीं यहां पर है ना, तो यहां पर ऑप्शन ए पी से स्टार्ट नहीं होगा। वैसे भी देखो स्टार्ट कहां से होगा, थोड़ा ऑप्शन से भी आप लोग हेल्प ले लेना, देखो ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। देखो सेंटेंस जो है QQQR, सेंटेंस या तो क्यू से होगा स्टार्ट या तो आर से होगा, कभी भी आपका पी से नहीं होगा, कभी भी आपका एस से नहीं होगा, क्योंकि आप ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैं देखो अगर मैं आर एक में दिया है ना, तो मैं आर से मैं चेक करता हूं। देखो द मास्टर विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन, देखो आर से मुझे अभी स्टार्ट हो सकता है, मुझे ज्यादा उतना अच्छा लग नहीं रहा है मुझे, द मास्टर विदाउट गिविंग एनी रीजन वैलिड रीजन, तो आर से अभी स्टार्ट होने वाला नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं आर को छोड़ देता हूं, तो ऑप्शन नंबर अभी मैं डी को छोड़ देता हूं, मैं क्यू से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्यू मेरा कंफर्म हो जाता है, अगर आर नहीं होगा तो मेरा क्यू कंफर्म हो जाता है। द मास्टर पनिश द सर्वेंट, देखो बिल्कुल ठीक है, मास्टर ने क्या किया, सर्वेंट को पनिश किया, हु वॉज वेरी लॉयल, आपका हो सकता है सर्वेंट के बदले में क्या, यहां रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर ना, सर्वेंट के लिए यहां पर हु आया है, बिल्कुल ठीक यहां पर है, सर्वेंट हु वॉज वेरी लॉयल, जो उस सर्वेंट को पनिशमेंट किया जो बहुत ज्यादा लॉयल था टू हिम, अपने मालिक के प्रति। तो देखो यानी कि क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी इसमें है, इसमें है, अभी आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब देखो यहां पर हु वाज वेरी क्या है, हु वाज वेरी लॉयल टू हिम व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड विदाउट गिविंग एनी रीजन, अगर मैं पहले एस ले लूं फिर आर ले लूं तो आपका सेंटेंस मैच कर रहा है। अभी देखो यहां पर द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट हु वाज वेरी लॉयल टू हिम, उसने क्यों पनिशमेंट किया, क्योंकि जब उसने अनफिनिश्ड किया, काम को पूरा नहीं किया बिना कोई कारण का दिए हुए, जब कोई कारण नहीं है तो आपने काम अनफिनिश्ड क्यों किया, इसके वजह से उसको पनिशमेंट दिया गया, यानी उसने काम अनफिनिश्ड किया कोई कारण के बिना, इसलिए उसको पनिशमेंट किया गया। तो यानी कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जब ऐसा कर लेना आप लोग, तो एक बार सेंटेंस को रिअरेंज करके पढ़ के देख लेना कि आपको यहां मीनिंगफुल निकल रहे हैं, मीनिंग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो आपको यहां पर ऑप्शन बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। देखो क्लासेस में वही से बताता हूं, क्लासेस में मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको एग्जाम के लिए सीधे सीधे डायरेक्टली ये सेम का सेम क्वेश्चन पूछ दे, और कैसे बनाना है प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस ही आपको पूरा पूरा हेल्प करवाएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक है अगर तो ग्रामर का है, तो ग्रामर पढ़ने के लिए मैं पढ़ाता ही हूं, और इसमें
आप वो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है, नो पार्ट ऑफ दिस बुक, यहाँ ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में आपको पी क्यू एस मैच करवाना है, उसके बाद ऑफ द पब्लिशर इज राइटिंग लिखना है आप लोगों को। देखो, नो पार्ट ऑफ दिस बुक सेंटेंस जो आपका, या तो एस एस पी एस, या सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा या फिर एस से स्टार्ट होगा। अगर मैं पी से स्टार्ट करता हूं तो देखो, नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड, देखो इस बुक का कोई भी पार्ट, कोई भी भाग प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस नहीं किया सकता। जैसे बुक के आप ऊपर या नीचे देखते होंगे आप लोग, ये चीज लिखा रहता है कि इस बुक का जो भी कंटेंट है कहीं भी रिप्रोड्यूस आप नहीं कर सकते हैं। ये पी से स्टार्ट बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अगर पी से स्टार्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका आंसर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं तो आप एस से स्टार्ट करो। देखो एक बार मैं एस से स्टार्ट करता हूं, देखो नो पार्ट ऑफ दिस बुक एंड ट्रांसमिटेड इन, जैसे देखो नो पार्ट ऑफ दिस बुक एंड ट्रांसमीटर जैसे ही आ गया तो एस से स्टार्ट आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कोई मैच नहीं कर रहा है इसका मीनिंग। देखो आपका ये तो कंफर्म हो गया कि एस वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बी और डी नहीं होगा, तो आपका आंसर 100% आपका मैच क्या कर गया, सी मैच कर गया। तभी मैं एक बार इसको चेक करता हूं, आप लोग भी इसको ऐसे चेक करेंगे। आप लोग पी के बाद एस है, फिर आर है, फिर क्यू है, पी के बाद एस ले लो। देखो नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, ना तो रिप्रोड्यूस किया सकता है ना ट्रांसमिटेड किया सकता है, इन एनी फॉर्म और बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से ना तो रिप्रोड्यूस करना है ना ट्रांसमिटेड करना है। अब उसके बाद है क्या आपका आर है, और स्टार्टेड, और स्टार्टेड इन अ रिट्रीवल सिस्टम, ना तो किसी भी तरीके से स्टार्ट किया सकता है ना शुरू किया सकता है, विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ पब्लिशर इन राइटिंग, बिना किसी का, बिना पब्लिशर के परमिशन के, विदाउट के बिना ऐसा चीज आप नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 100% जो है आंसर करने से पहले आपका क्लियर हो जाता है। देखो इसमें जितना ज्यादा सोचोगे आप लोग, प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को डर लगता है तो प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के लिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें कि 50 पैसेज हैं और 77 पीक्यूआरएस है, 100 आर्टिकल है, 280 कॉमन एरर, 280 प्रीपोजिशन और 1000 जो है सायोनिम और एंटोनिम है, ठीक है। ये इसके लिए मात्र आपको 150 पे करने होते हैं, इसको आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इन 1915 फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज विच नाउ बियर्स हिज नेम वाज फाउंडेड द ग्रेट इंस्टीट्यूट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब देखो सेंटेंस आपका एस या फिर आर से स्टार्ट हो सकता है, कि ऑप्शन में वही दिया है, एस और आर दिया गया है यहां पर। अब देखो अगर मैं आर से स्टार्ट पहले कर लूं, क्योंकि आर से मैं स्टार्ट कर लूंगा अगर, तो मेरे लिए ठीक रहेगा। देखो क्योंकि आर वाला ऑप्शन एक ही है, इन 1915 बोस फाउंडेड द ग्रेट इंस्टीट्यूट, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। किसमें 1915 में एक इंस्टीट्यूट, बोस ने एक इंस्टीट्यूट फाउंड किया, स्थापना किया। उसके बाद है पी, फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज, जैसे इसके बाद मैं पी के आर के बाद मैं लेता हूं पी, तो कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। इंस्टीट्यूट फाउंड किया किसके, कॉलेज से, कॉलेज से, जैसे कॉलेज से आ गया ना, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आ गया, तो ये कोई मैच नहीं कर रहा आपका, तो आपका आर वाला कभी भी नहीं होगा। यानी कंफर्म यहां पर हो गया, सेंटेंस आपका एस से स्टार्ट होगा यहां पर। देखो इन 1915 आफ्टर हिज रिटायरमेंट, बिल्कुल ठीक है, 1915 में उसके रिटायरमेंट के बाद कहां से, फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज से रिटायरमेंट हुआ ना, तो एस के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एस के बाद पी इसमें दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो आपका आंसर अभी क्या, ये आपका क्यू वाला नहीं होगा, क्योंकि क्यू वाला क्या है, रिटायरमेंट विच नो बियर्स, ये आपका आएगा नहीं, आर वाला आएगा नहीं। देखो यहां पर इन 1915 आफ्टर ही रिटायरमेंट फ्रॉम, रिटायर कहां से होता है, कॉलेज से ना, कॉलेज रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद आर में है बोस फाउंडेड द ग्रेट इंस्टीट्यूट विच, देखो इंस्टीट्यूट के बदले में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आ गया, विच आ गया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर विच नाउ बियर्स हिज नेम, यानी उस इंस्टीट्यूट पर उसका नाम यहां पर लिखा गया है। देखो यहां पर कितना आसानी से आपका मैच कर गया ऑप्शन नंबर ए। देखो जब सोचोगे आप लोग तब आपको बनेगा यह चीज, तो इसमें प्रैक्टिस ही करने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने अभी 50 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा है क्लास को लाइक जरूर करना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अभी मैं यहां पर एक लिंक डाल रहा हूं आपके सामने में PQRS का और कॉमन एरर का, तो वहां पर जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ये क्लासेस जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तो इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए एक बार मैं फिर से कहता हूँ क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग,
और प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पर इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जीके का ले सकते हैं। बाद बाकी सभी क्वेरी के लिए आपको डॉट है बुक्स रिलेटेड या फिर क्लास रिलेटेड, तो आपके सामने में ये दो नंबर दिया गया है, इसे मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना निर्णय दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।